बाहर से लोगों को लाया गया, पैसा के माध्यम से उनको बहाली की गई, सारा सरी गलत हुआ, ना पेपर में ऐड हुआ और ना ही नगर पंचायत के देख लो कोई का करता हमने के 10 साल से जीत लन 5 साल पहले जीत रहन 5 साल फिर नया पर जीत लो का करता हमने के कुछ नखन करो कर दिया गया है। इस रोड का एक गिलास पानी भी इसमें नहीं आएगा तो उससे क्या फायदा है, उस नाले से क्या फायदा है, आपकी सफाई करने से क्या फायदा है? नाला ना खोनाई अब तो नाला खोने दलो नाला साफ हुई अब बताए डाल भर नाला बात नीचे तो डाल भर नाला से नीचे से पानी रोड पर ना लुकी थी। न्यूज 44 बिहार में और मैं हूँ फारूक। मैं इस समय बड़हरिया में खड़ा हूँ, देख सकते हैं कि ये बड़हरिया का हालत है। थोड़ी सी बारिश होने के बाद पूरी तरह से बारिश सड़कों पर लग गई है, लोगों के आने जाने में काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। आप भी मुखिया रहे उसके बावजूद भी सुधार क्यों नहीं हुआ? मैं जब मुखिया थे तो जितना गांव का नली का नाला और रोड का जो काम हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत सराहनीय हुआ, लेकिन विगत पिछले 5 वर्ष में जो मुखिया थे यहाँ के रुखसाना परवीन जी, उनके पति नसीम अख्तर, जिन्होंने बहुत ही लूटपाट किया, जो तीन काम अभी हम बताने जा रहा हूँ। ये बताइए कि ये जो पानी लगा हुआ है सड़कों पर जल जमा हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि आपके समय में भी जल जमा होता था? मेरे समय में कुछ भी नहीं होता हुआ करता था, किए तो हैं अभी नगर पंचायत में, नाला साफ कराएं, कहीं कहीं साफ कराएं और कहीं कहीं छोड़ दिया गया, उसके वजह से पूरा जल जमा पहले से भी ज़्यादा हो गया और जो नाला बना हुआ था पहले का वो भी टूट गया और सैलाब ढालने से नीचे चला गया और उसी तरह ढक दिया गया। बताइए कि जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ तो आपने शिकायत किए हैं? हाँ, मैं एसकोटी साहब को आवेदन दिया हूँ, उसका आवेदन मेरे हाथों में पड़ा हुआ है जो कि मैं एसकोटी साहब को दिया हूँ और नल जल के योजना के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया हूँ। उसे बताइए कि सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाओं का विषय बना रहा, बड़हरिया में 8 नियोजन हुए अलग अलग पदों पे, आखिर ऐसा क्यों हुआ? बड़हरिया में कोई योग्य नहीं था कि बाहर के लोगों का यहाँ पे बहाली हुआ? इसमें सारा शहरी गलत ढंग से नियोजन हुआ, बाहर से लोगों को लाया गया, पैसा के माध्यम से उनको बहाली की गई, सारा शहरी गलत ढंग से नियोजन हुआ है। इसको मैं मांग किया हूँ कि इसको खारिज करते हुए बड़हरिया नगर पंचायत के ही लड़के और लड़कियाँ आए और काम करें नगर पंचायत में। आप देख सकते हैं कि एक दादा इसमें खड़े हैं, रुक जाइए दादा, कब से इसमें पानी लगता है? साल भर हो गया, साल भर से लगता है, इससे पहले पानी नहीं लगता था यहाँ? कम लगता था। क्या लगता है क्यों पानी लग जाता है सड़कों पे? समाज में कैसे पानी ना कर ले जाता है, क्या यहाँ पे पानी लगता है? बहुत दिन लगता है सर, नाला साफ होता है खाली उखाड़ के फेंक देता है और जो होता है सिलाब उठा उठा खाली इधर फेंक देता है, फिर माटी भर के चला जाता है, बस होता ही काम होता है। नाला की सफाई नहीं होती है? नहीं होती है, नाला है मालूम है इतना का और नाला है इतना नीचे, तो पानी कैसे जाएगा? ऊपर से मिट्टी डालेगा, अब ऊपर से मिट्टी है इतना तो कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। जल जमाव कब से हो रहा है? अरे तो जल जमा ज्यादा पहले थोड़ा सा था तो 1 घंटा 2 घंटा में सूख जाता था, लेकिन जल जमा इधर जो है नाला का कोई व्यवस्था नहीं है, नाला उखड़ा गया और नाला पतला नाला है नीचे है, वो नाला कोई देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑटो चालक है, इनसे बातचीत की जाएगी। कब से यहाँ पे, कितने समय से आप इस रोड में ऑटो चलाते हैं? 3 साल से चला रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही थी रिक्शा चलाने में, यहाँ पे पानी लग जा रहा है। चेयरमैन के आदमी बोले हैं, सोनू बोले हैं कि पंप से पानी खिंचवा लेंगे, अभी इतना दिन हो गया अभी पंप से पानी नहीं खिंचवाए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बड़हरिया पुरानी बिहार के रहने वाले, महेश कुमार चौधरी नाम है मेरा। आप देख सकते हैं कि इस समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और बोलने के लिए काफ़ी बेचैन है। आइए आइए इधर आइए इधर। कब से पानी लगता है यहाँ पे? बहुत दिन से पानी लग रहा है, कोई यहाँ पर कोई काम नहीं कर हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? कोई यहाँ पर कोई नगर पालिका वाला काम नहीं कर रहा है, कोई झाड़ू भी नहीं मार रहा है, कोई पानी भी नहीं निकाल रहा है। तब से जब से नसीम मुखिया में उठला हम तब से पानी 8-9 साल से लगा था,
कोई पानी के सावधानी करे वाला कोई नहीं है, कोई पानी के हेरी खोजी करे वाली नहीं है। डाड़ भर नीचे एथी बा मोने करे नहीं सके हमने के नाला ना खोनाई अत ना नाला खोले दलो नाला साफ होई साफ होई। अब बताई डाड़ भर नाला बात नीचे तो डाड़ भर नाला से नीचे से पानी रोड पर के ना लुकी थी हमने के थोड़ा परेशानी में सर ये घर हमने के बाल बच्चा सब पाक में पानी में आई लड़का बड़ा सा तेजी जाके खेला तरह से कूदा तरह से तबियत खराब हो जाता लड़कन के। गरीब गुरब आदमी हमने कमाए खाए ली आदमी हमने का खेला दे के हेला गरीब अथी से पाक पानी से का तो आपके जीता के देख लो आपके जीता के देख लो का करता कोई का करता हमने के 10 साल से जीत लन नु 5 साल पहले जीता रहन 5 साल फिर नया पर जीत लो का करता हमने के कुछ नखन कर पिछले 5 साल में कुछ ना कहलो कुछ नखन कहले महाराज हमने के कुछ नखन कहले। नसीम पहले मुखिया जी थे क्या उन्हीं के समय में हुआ कि उससे पहले भी यही हालत था? विगत नाम तो नहीं लेना चाहिए, विगत 3-4 साल 5 सालों से ऐसा हो रहा है। अब बड़ौरिया में समझिए कि पैदल चलने लायक कोई रोड है ही नहीं, इससे तो हम लोग रोजी रोटी ही मर गया है और कोई सफाई का कोई यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। रोजी रोटी भले मर जाए लेकिन नेताओं से बगावत नहीं करनी है? बगावत किया जाता है, बोला जाता है लेकिन कोई असर नहीं पड़ता है। हमने कभी नहीं देखा इस रोड को लेकर प्रदर्शन करते हुए। प्रदर्शन तो खैर हम लोग व्यवसायी हैं नहीं किए हैं। इस रोड का एक गिलास पानी भी इसमें नहीं आएगा तो उससे क्या फ़ायदा है? उस नाले से क्या फ़ायदा है? आपकी सफाई करने से क्या फ़ायदा है? बहुत दुख की बात है। फिर जीत गई है फिर जीत गए 5 वर्ष में कोनो काम नहीं कौन कर तो वोटवा रोगे लोग दे लो तो आजा बाल बा भाई हमरे को दला सो जाई रोगे जैसा ढेर लोग दिले हुए ऊ तो जीत गए बड़ा ऊ ढेर अथी से बीमारी यहाँ बा कैसे जीत गए लो ना वोटवे दिले से जीत गए अरे एने ओने करो तो ना जीत जाए एने ओने ओ कर हां। Ha 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 ha.